मोदक जो गणपति बाप्पा की फेवरेट रेसिपी है, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ काजू कोकोनट मोदक। दोस्तों ये मोदक के अंदर हमने फ्रेश कोकोनट का उपयोग किया है जिससे इसका स्वाद गजब का तैयार होता है और इसमें हमने काजू भी डाले हैं। तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है, तो चलिए गणपति बाप्पा की फेवरेट रेसिपी मोदक बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी का जार ले लिया मैं, इसके अंदर ये फ्रेश कोकोनट 4 टेबलस्पून डाल दूंगी। ये एक्चुअली मैंने फ्रीजर में से निकाला है ना, इसलिए ये करीबन 1/4 कप जितना है। मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। चूरा अच्छे से रेडी हो चुका है, ये देखिए इस प्रकार से चूरा रेडी करना है। मैं आप चाहे कोकोनट का भी कर सकते, पर मैं हमेशा इस प्रकार से स्टोर करके रख, जिससे जब भी रेसिपी बनानी हो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो मैंने ये चूरा कर लिया है, थोड़ा सा हाफ क्रश रखा है जो खाने में बहुत बढ़िया लगेगा। मोदक बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और उसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1/2 कप सूजी। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने सूजी ली है। इसे मैं धीमी आंच के ऊपर सेक लेती हूँ। हमें बिल्कुल भी सूजी का रंग चेंज नहीं होने देना है, इसे हल्का गुलाबी रंग का करना है। दोस्तों गणपति बाप्पा का आगमन अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है और हम सब उनकी आगमन की तैयारी में लग चुके हैं। मैं इसे धीमी आंच के ऊपर सेक लेती हूँ। दोस्तों अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं। मोटी वाली सूजी को थोड़ा सा मिक्सी में चर्न कर लीजिएगा तो भी ये बढ़िया तैयार हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने सूजी ली है, अगर आपको सूजी नहीं खाना है या सूजी का उपयोग नहीं करना है तो आप इसकी जगह पे मावा का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको मावा 1 कप लेना है, बाकी मेजरमेंट सारे सेम रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हल्का गुलाबी रंग का ये सिक चुका है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। आंच को हमें बंद कर देना है, फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर पहले 1 कप दूध लेना है, मैं इसके अंदर पहले 1/2 कप ही ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। आपने सारा दूध एक साथ में ऐड कर दिया तो क्या होगा फ्रेंड्स, गुठलियां पड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके इसमें दूध ऐड, और अगर कोई गुठलियां पड़ गई तो इस प्रकार से इसे स्पैचुला की मदद से इस प्रकार से इसे, अब मैं इसके अंदर और 1/4 कप मतलब टोटल हमें 1/4 कप दूध लेना है वो ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी तक मैंने आंच को शुरू नहीं किया है, मैंने आंच को बंद ही रखा है। ये देखिए ये अच्छे से कुक हो चुका है। 5 टेबलस्पून शक्कर डालती हूँ। शक्कर का नाप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे इसमें शक्कर पिघल रही है, ये देखिए अच्छे से इस प्रकार से इसे दबा देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर हमने ये जो भी कोकोनट को ग्राइंड किया था वो डाल देती हूँ और 1/4 कप काजू के टुकड़े, ऐसे इस प्रकार से 1/2 क्रश काजू टुकड़े हैं ना वो लिए। अब सारी सामग्री को मिला लें। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ आगे हम क्या करेंगे। मैंने एक प्लेट ले ली है, उसके ऊपर घी लगा देंगे। इस प्रकार ग्रीस करने से ना बहुत ही अच्छे से हमारे जो मोदक का मिश्रण है वो निकल के आ जाएगा। अभी हमने ये जो मिश्रण तैयार किया है वो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है, अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लूंगी और फिर हम मोदक बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे मसल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये मोदक का मोल्ड है। अब मैं क्या करती हूँ, ये एक पिस्ता है ना, ये एक ही मोल्ड पे हम डाल और ये जो मिश्रण है वो हम इस पे लगा। ये देखिए बप्पा के लिए हमारे मोदक बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसे और थोड़ा सुंदर बनाते हैं, इसके पे थोड़ा सा वरक लगा देंगे जिससे ये और खूबसूरत दिखेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही लगाइए, नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर मैं हमेशा थोड़ा सा लगाती हूँ, अच्छा दिखता है ये। ये देखिए मैं बताती हूँ, इस प्रकार से थोड़ा सा हम वरक लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे जो हमारे मोदक हैं उस पे वरक लगा दिया है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ये। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये जितने सुंदर दिख रहे हैं ना उतने ही खाने में बढ़िया लगे। हमारे तो गणपति बाप्पा खुश हो जाने वाले हैं। हमारे टेस्टी यम्मी डिलीशियस गणपति बाप्पा के लिए मोदक बन के तैयार है। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए।